गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज दिन है संडे और यहाँ पे देखिए नमन बैठे हुए हैं और ये इनका मेरे हाथ में है, बहुत देर से रखा हुआ है लेकिन ये जो है अभी तक नहीं खाए हैं। खा लो फट से। हो गया नाखून कट गया? किस खुद से नाखून कट रहे हैं, मेरे से नहीं कटवाए। कह रहे हैं कि नहीं, आपको आप काटोगी तो दर्द करेगा। तो एक बार आपको मौसम दिखाते हैं सुबह सुबह का। ये देखिए मतलब धूप बहुत तेज़ से है और दिखेगा नहीं। और बाकी मैंने सारे काम कर लिए हैं अपने, कपड़े वगैरह सब धुल दिया है। देखिए इधर भी है, इधर भी है और इधर से तो उतार लिया है मैंने। मैं जब भी मतलब मैं ही क्या कोई भी इधर जैसे ही कैमरा करती हूँ ना तो ब्लर करने लगता है। तो मतलब कोई भी अगर कहीं जाता है तो उसके घर का काम बढ़ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये केवल मेरे घर का काम नहीं है, सभी के घर का काम है। तो चलिए अभी मैं चल रही हूँ किचन में आटा गूंथने, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ और अभी कोई नाश्ता नहीं किया है, कहीं भी मैंने नहीं किया है। बस प्रेशर लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो कर रही हूँ आटा गूंथूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। आज सब लोग आज ब्रेकफास्ट में रोटी और सब्जी खाया जाएगा क्योंकि आज संडे है और संडे मतलब हफ्ते में एक दिन रोटी खाना चाहिए। पूड़ी और पराठा बहुत हो जाता है, डेली हो जाता है, क्योंकि नमन जो है स्कूल कभी भी रोटी लेके नहीं जाते, तो इस वजह से। तो चलिए अभी चल रहे हैं किचन। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ करने जा रहे हो? तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में। तो आज संडे होने की वजह से बनेगी रोटी और सब्जी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जो है डेली हम लोग सुबह में पूड़ी या पराठा ही खाते हैं। तो आज मैंने कहा रोटी बनाएंगे, लेकिन वैसे नमन को रोटी कम पसंद है, ये पूड़ी और पराठा इनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने कहा बेटा आज रोटी बनाते हैं, क्योंकि मुझे ना गर्मी में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, बच्चे की वजह से सभी को खाना पड़ता है। सभी लोग मतलब ये चाहते हैं कि गर्मी में थोड़ा सा जो है सिंपल सा खाना खाएँ। तो और वैसे भी मुझे पूड़ी और पराठे थोड़े कम पसंद हैं। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं सुबह सुबह आटा, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कुछ रेड रेड पहनती हूँ। मुझे रेड मेरा फेवरेट कलर हो चुका है, रेड और पिंक। तो अभी तो पिंक के तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ रेड तो हो ही गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आटा लगाएँगे और इसके बाद जो है फिर बनाएंगे रोटियां। और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। मैं अभी कोशिश कर रही हूं कि डेली वीडियो डालूं और अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करूं। अभी तक क्या था, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा मतलब मैं परेशान चल रही थी। एक तो तबीयत भी ख़राब था और इसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। हो जाता है, तो इंसान है कुछ ना कुछ काम तो आता ही रहता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए कितनी रोटी मैं बनाऊँगी, 4 से 5 रोटी बनाती हूँ और बस इतना ही ज़रूरत है, तो इतना ही बनाएंगे। क्योंकि एक साथ हमारे घर में पहली बात मतलब जिसको खाना होता है, अभी तो चलिए आज हम दो ही लोग हैं और अभी जो है सब लोग मम्मी पापा थे, तो इसके बाद वो गए घर और इसके बाद जो है अभी सभी लोग गए हैं घर गए हैं। तो इस वजह से यहाँ हम और नमन हैं हम, तो रोटियाँ बस 4 से 5 रोटियाँ बनाएंगे और इसके बाद खाएंगे आराम से। और संडे के दिन थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ ये दिन हमारा है भाई, हम अपने लिए जीते, क्योंकि अपने तरीके से उस दिन काम होता है, उस दिन कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। लेकिन हाँ ये है कि संडे के दिन और ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पड़े रहते हैं पेंडिंग में, तो उसको करना होता है। तो संडे के दिन तो और भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से रहते हैं, वो हो जाता है, टाइम सभी के पास है ना। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बन जाएंगी और इसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। और गाइस हाँ, आप सभी लोग बहुत सारे लोग मतलब परेशान हो चुके हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि मैं चैनल पे नहीं हूँ, तो गाइस मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी और इस वजह से नहीं हो पा रहा था, मतलब नहीं कर पा रही थी मैं।
लेकिन अभी मैं हूँ और डेली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं काम करूँगी, डेली मैं वीडियो डालूँगी। थोड़ा सा मैं बिजी भी हो गई थी, फिर तबीयत भी ख़राब हुआ तो इस वजह से काम रुक गया, बीच में नहीं वीडियो डाल पा रही थी। क्योंकि हो जाता है ना कि जब आप खुद नहीं ठीक हो, आपका तबीयत नहीं ठीक है तो फिर नहीं मन करता है, ऐसा होता है सबके साथ। और जब हम खुद ही नहीं ठीक हैं तो हम काम क्या करें, आप खुद ही सोचिए। तो इस वजह से, और यहाँ पे रोटियाँ मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, मेरे से बड़ी बड़ी हो जा रही है आज। और एकदम से घर अच्छा नहीं लग रहा है ना, जैसे अभी कोई हो और इसके बाद जो है अचानक से फिर चले जाए तो फिर नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो इस वजह से कुछ दिन जब ऐसे साथ में रहते हैं सब लोग और इसके बाद जो है जब फिर अचानक से जाना पड़े और घर एकदम खाली खाली सा हो जाए तो फिर नहीं अच्छा लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है। तो बस इसी वजह से, और यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के रेडी है और अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, मतलब ब्रेकफास्ट करने। और आप सभी भी आइए, बस सब्जी बनी है आलू और बीन्स की। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सब्जी मैंने ऐसे रखी हुई है, तो ऐसा नहीं है, होता है शाम की सब्ज़ी अगर बच जाती है तो हम फेंकते नहीं हैं, फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन ये सुबह मैंने बनाई थी और सब्जी बनाने के बाद नमन का मन हो गया था हलवा खाने का, तो मैंने जो है उसी कढ़ाई में इसको सब्ज़ी खाली करके और उसी को साफ़ करके उसी में बनाया था। बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर मेरे पास स्टॉक रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मतलब इतना नहीं करती कि ये, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बस एकदम से जूठा करके भर जाए और इसके बाद फिर वो काम बढ़ जाता है ना। और आप तो सब्जी आइए बस, और आज संडे की वजह से बनाया है रोटी सब्जी, तो मैंने पहले बता दिया है क्योंकि वैसे डेली रोटी खाते हैं लेकिन सुबह में नहीं, शाम में खाते हैं, तो अभी सुबह में खाएंगे। क्योंकि ऐसे तो नमन को, मतलब नमन को तो पसंद नहीं है रोटी, लेकिन मैंने कोशिश की है और खा लेंगे। इस तरीके से नहीं पढ़ाई करते नमन, इस तरीके से नहीं करते, आराम से अभी आराम से बैठ के करना, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज संडे है तो ये आज अपना फटाफट से सोच रहे हैं काम खत्म करके और इसके बाद मैं लग जाऊँ अपना खेल कूद में, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए खाना खा के, तो आप सभी भी आइए। और ये देखिए यही होता है मेरे साथ, मैं नमन को कितना ज़्यादा बार बार मुझे बोलना पड़ता है, ऐसे ही खाना ला के रखते हैं और ये बार बार इसको बोलना पड़ता है। लेकिन अभी ये जो है पढ़ाई कर रहे थे और इसके बाद मतलब थोड़ा सा इनका काम बाकी था तो वही कह रहे थे मम्मा थोड़ा सा है उसको मैं कर लूँ, और इसके बाद जो है ट्यूशन का भी काम है, तो इस वजह से ये अपना बैठे थे। और इसके बाद हम लोग साथ में ही खाते पीते हैं ना, तो फिर अकेले मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये बस अपना आ जाएंगे नमन, और आज नमन बहुत जल्दी नहावा के फिट हो गए हैं। वैसे तो संडे के दिन ये काफ़ी लेट नहाते हैं, जैसे कि 11-12 बजे, क्योंकि बोलते हैं मम्मा आज संडे है तो आज आराम से मैं नहाऊंगा। लेकिन आज सुबह सुबह पता नहीं क्यों अपने आप, जैसे मैं नहा के आई बोल रहे मम्मा नहा लूँ, मैंने कहा हाँ। और ये जो कपड़े इधर से उधर कर रहे हैं नमन, ये मैंने जो है रखा था प्रेस करने के लिए, लेकिन इसके पहले मैंने कहा पहले मैं नमन को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ फिर करूँगी, क्योंकि सारे कपड़े और तो अभी जो धुले गए हैं उसको भी प्रेस करने हैं, लेकिन ये जो है ऐसे मैं छोड़ के चली गई थी तो इसको प्रेस करना है, क्योंकि नमन को ट्यूशन जाना रहता है, डेली यूज़ के इनके कपड़े हैं, तो वही मैंने यहाँ पर रखा है, मैं प्रेस करूँगी। और मैंने इसके बाद नहीं सूट किया था गाइस, तो मैंने कहा भाई आप सभी के साथ वीडियो मुझे शेयर करना है, तो फिर जो है एडिट करके पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं मेरे वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं भाभी जी आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, तो इस वजह से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड।